स्वामी और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम आपको दर्शन कराने वाले हैं छत्तीसगढ़ के एक ऐसे धार्मिक नगरी का जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, हम पहुँच चुके हैं छत्तीसगढ़ के राजिम में, जो कि है एक ऐसा पवित्र धार्मिक नगरी जहां पे आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व से ही बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, देवालय हैं, जहां आप आकर के अपने आप को बहुत ही ज़्यादा आनंदित महसूस करने वाले हैं। दोस्तों हम कोरोना की इस वैश्विक महामारी में आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे कोई भी धार्मिक स्थल में जा सकते हैं, क्या क्या नियम एवं कानूनों का आपको पालन करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये सावन का पवित्र माह चल रहा है जिसमें जो भगवान शंकर के जो श्रद्धालु भक्तगण होते हैं वो कांवड़ यात्रा के लिए निकलते हैं, तो आप अगर छत्तीसगढ़ के राजिम में स्थित कुलेश्वर महादेव, जिसका हम आपको कंप्लीट एक्सप्लोरेशन करके दिखाने वाले हैं, कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि आप इस मंदिर में कैसे आएँ, क्या क्या नियम कानून होंगे और आप इस मंदिर में कैसे पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको राजिम के कुलेश्वर महादेव का दर्शन कराने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड को। राजिम एक ऐसा पवित्र धार्मिक नगरी है जो कि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इस स्थान के साथ रामायण कालीन पौराणिक कथा एवं कलचुरी वंश के इतिहास के साथ कई किंवदंती जनश्रुति कथाएं जुड़ी हुई हैं। वर्तमान समय में यहाँ माघी पुन्नी मेला का आयोजन होता है जिसे पूर्व में राजिम कुंभ मेला कहा जाता था। इस मेले में पूरे देश से साधु संतों का जमावड़ा लगता है। महानदी सोंडूर और पैरी नदी के त्रिवेणी संगम में राजिम का यह पवित्र नगरी विद्यमान है। इन सभी कारणों से राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। राजिम में विद्यमान भगवान राजिम लोचन जी का मंदिर, भगवान कुलेश्वर नाथ महादेव जी का देवालय एवं लोमस ऋषि जी का आश्रम यहाँ के मुख्य आकर्षण है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी में राजिम स्थित है। यहाँ आप सड़क मार्ग, वायु मार्ग एवं रेल मार्ग से भी आ सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको कुलेश्वर महादेव जी से जुड़ी हुई सारी कथाओं के साथ संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हुए अद्भुत शिवलिंग का दर्शन करेंगे। रामायण कालीन पौराणिक कथा की बात करें तो जब भगवान राम जी को वनवास हुआ था तब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी राजिम के त्रिवेणी संगम में स्थित लोमस ऋषि जी के आश्रम में रुके हुए थे। तब माता सीता ने त्रिवेणी संगम में रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शंकर जी की पूजा अर्चना की थी, जो आज यहाँ पंचमुखी कुलेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाता है। मेरा नाम राजेंद्र मनु है और इस मंदिर का पुजारी भी हूँ और ट्रस्ट मेंबर भी हूँ और वर्तमान में यहाँ मेरी ड्यूटी लगी हुई है। तो जैसा कि शासन का जो दिशा निर्देश है मंदिरों में दर्शन करने के लिए, उनके अनुसार उस दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। इस मंदिर में सैनिटाइजर है, मास्क है और अभी जो सावन का पर्व आएगा उसमें कांवड़िया आएंगे और अधिकतम आएंगे या कम, उस पर शासन का जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार इस ट्रस्ट का दिशा निर्देश है और अपने पुजारी समिति का, उसके अनुरूप दर्शनार्थियों को इस मंदिर में पालन करना होगा और उसके अनुरूप प्रत्येक दर्शनार्थियों को दर्शनार्थ कराया जाएगा। मंदिर निर्माण की बात करें तो इसका इतिहास कलचुरी शासनकाल से है। पुरातत्वविदों की माने तो इस मंदिर का निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य में किया गया था। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस मंदिर का निर्माण तत्कालीन राजाओं ने जिन भी कारीगरों से कराया था वे बहुत ही दूरदृष्टा रखकर मंदिर का निर्माण कार्य किए थे। इसी कारण से यह मंदिर 1200 वर्षों से भी अधिक समय तक भीषण बाढ़ों का सामना करते हुए आज तक यथावत टिका हुआ है, जबकि नजदीक में ही 40-50 वर्ष पूर्व निर्माण पुल की स्थिति दयनीय हो चुकी। मंदिर पुजारी का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण बहुत ही उन्नत इंजीनियरिंग से किया गया था। इस मंदिर को 3 तलों में निर्माण कराया गया। पहला तल जो सबसे ऊपर है जिसमें मंदिर बना हुआ है, वह तल नदी के तल से लगभग 17 फीट की ऊंचाई में तरासे हुए पत्थरों से अष्टकोणीय पैटर्न में एंटी लॉक पद्धति से बनाया गया है, जो कि तल से ऊपर की ओर चौड़ाई कम है जिसके कारण से पानी का कटाव बहुत ही आसानी से हो जाता है। यह मंदिर
तीन नदियों के संगम के मध्य वास्तुकला का अद्भुत एवं आश्चर्यजनक नमूना है। दूसरा तल पहले तल के नीचे कुछ मीटर तक है, उसके बाद मंदिर का फाउंडेशन तीसरा तल में है, जो कि सीधा अंदरूनी धरातल के विशाल पत्थरों से जुड़ा हुआ है। मंदिर के मंडप में बहुत सारे देवी देवताओं की प्रतिमा भी स्थापित की गई है और मंदिर के गर्भगृह में मुख्य आराध्य देव पंचमुखी भगवान शंकर जी का शिवलिंग स्थापित है। कारण रहने शिव जी जहाँ होंगे हाँ वहाँ ऐसे ही मिलेंगे। अच्छा, भगवान शंकर जहाँ भी विराजमान होंगे शनिदेव ऐसे छत में मिलेंगे। मंदिर प्रांगण में सैकड़ों वर्ष पूर्व का विशाल काय बरगद है। मंदिर के प्रांगण में ही माँ दुर्गा जी का भी मंदिर है। एक जनश्रुति कथा के अनुसार जब नदी में भीषण बाढ़ की स्थिति निर्मित हो जाती है तो कुलेश्वर मंदिर से राजिम मंदिर की ओर एक आवाज सुनाई देती, मामा बचाओ मामा बचाओ। तभी राजिम मंदिर की ओर से आवाज आती है कि भांजा कुछ नहीं होगा। फिर धीरे धीरे पानी कम हो जाता है। पिछले कई सौ वर्षों से ठाकुर परिवार के पुजारी राजिम के इन मंदिरों में अपनी सेवा पीढ़ी दर पीढ़ी प्रदान कर रहे हैं, जिसमें हमें पुजारी जी ने बताया कि दरअसल ये दोनों मंदिर शिव मंदिर ही हैं, जिसमें से एक शिव मंदिर में मामा पक्ष के पुजारी सेवा देते हैं एवं दूसरे में भांजा पक्ष के पुजारी, इसीलिए ये मान्यता यहाँ पर बनी हुई है। इस कुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में जो पीपल का वृक्ष देख रहे हैं, ये आज से 700 साल पुरानी वृक्ष है जो आज भी यथावत है, और इनका नया पुराना जो क्रम है आज तक नवरत वर्षों से जारी है। और जैसे इस कुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में आप खड़े हैं तो इस मंदिर में चढ़ने के लिए भगवान का दर्शन करने के तीनों ओर सीढ़ी बने हुए हैं, जो एक सीढ़ी उत्तर दिशा की ओर है, दूसरा पूर्व की ओर है, तीसरा दक्षिण दिशा की ओर। काल में तीनों नदी का जल का जो बहाव है वो जब तेज होता है और अपने द्रुत गति पे होता है तो इस देवालय के अंदर भी पानी का प्रवेश हो जाता है, लेकिन लोक मान्यता के अनुसार उसको भगवान का चरण स्पर्श करना होता है, तब ऐसा रूप धारण करते हैं और भगवान को चरण स्पर्श करते हैं। उसके पश्चात शनय शनय वो अपने धारा को जो प्रवाह है उसको कम करता चला जाता है, लेकिन ऐसे तो साथियों आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये कुलेश्वर महादेव का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा साथियों, उसे जा करके अगर आप दबा देते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ एक बेल आइकन दिखाई दे रहा है, अगर उसे प्रेस कर देते हैं तो हमारे इस चैनल के सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।